बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। नवाज शरीफ साहब की नैब के ऊपर बरहमी, जजेस, पुलिस, पटवारी, हचिसन कॉलेज, नादरा, इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक, पीसीबी, हर जगह असर रसूख, यहाँ नैब क्या करे। करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 175 ममालिक में से 117 नंबर है। दुनिया के छोटे छोटे ममालिक जिनकी आबादी या रकबा हमारे सूबू से भी कम है, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। फलस्तीन, जहां आग और खून का खेल हशरों से खेला जा रहा है, उसका नंबर 107 है। वजीर आजम साहब, आपके वजरा की वीडियो तक सामने आई, मगर आप टस से मस ना हुए, आपने चेतू को बचा लिया। यहां नैब क्या करे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन तुम एक ऐसे शख्स को भी पाओगे जो दो चेहरे रखता है, जब कुछ लोगों से मिलता है तो एक चेहरे के साथ, जब दूसरे जो लोगों के साथ मिलता है तो दूसरे चेहरे के साथ। यहाँ नैब क्या करे। मेरा कलम नहीं तस्बी उस मुबल्लिग की जो हर दम बंदगी का हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मैजान उस आदिल की जो चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। यहाँ नैब क्या करे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हम सब मुमलकत के खादम व मुलाज़िम हैं। नोट कीजिएगा, खादम आला नहीं, सिर्फ खादम। मुआवज़ा तंग ने कहा था कि एक शख्स पहाड़ों के दामन में जिंदगी बसर कर रहा था, तो उसके घर पहाड़ की वजह से धूप नहीं आ रही थी। तो एक दिन उसने अजम किया कि मैं इस पहाड़ को यहाँ से हटा के रहूंगा। वो अपनी कुव्वत बाजू से शब और रोज उस पहाड़ को उठाने में लग गया। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? कहा, इस पहाड़ की वजह से मेरे घर में रोशनी नहीं आती, धूप नहीं आती, तो मैं इस पहाड़ को उठा के धूप अपने घर लेके जाऊंगा। उसने कहा, अगर ना उखाड़ सके तो? तो शख्स ने कहा, मैं सारी जिंदगी दिन रात एक कर दूंगा इसको हटाने के लिए। अगर मैं ना हटा सका तो मेरी आने वाली नस्लें इसको हटाने की कोशिश करेंगी, इसको हटाएंगी, और एक दिन इंशाल्लाह मेरे घर में रोशनी यहां कर रहेगी। अगर ये दोनों सियासी जमातें आटे में नमक के बराबर भी काम करते तो आज नौबत यहां ना आती, मगर ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। जब अपने वफादार को खतरा महसूस किया तो मुख मका करके इकट्ठे हो गए, और आज हालत यह है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चौंच और एक की दुम।